जय जय श्री सीताराम। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, यह कली काल मलायतन मन करि देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। यह कली काल मलायतन मन करि देख विचार। मन करी देख विचार, यहाँ पे देखिए गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। गोस्वामी ने कहा है कि आप एक बार अपने मन में विचार करके तो देखिए ये कलिकाल कैसा है। यह कलिकाल मलायतन, मन से भरा हुआ है, दोष ही दोष है, विकार ही विकार है। कोई साधन पद्धति कुछ भी ऐसा शेष नहीं है जहां विकार ना आ जाए। विकार कहीं पे भी किसी भी साधन को शुद्ध नहीं छोड़ता। सभी साधन इस कलिकाल में दूषित हो चुके हैं। तो किया क्या जाए? श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। एकमात्र श्री राम जी के नाम, श्री राम जी के चरित्र को छोड़कर और कोई भी आधार इस कलिकाल में शेष नहीं है। इस घोर कलिकाल में दूसरे जितने भी साधन हैं उनमें से किसी की भी सिद्धि नहीं हो सकती, और वो सभी साधन अनुभव करके देखे भी जा चुके हैं। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन नहीं है। जो योग नहीं है, यज्ञ नहीं है, जप नहीं है, कोई तप नहीं है, तपस्या, जैसे त्रेता युग में सतयुग में लोग तपस्या करते थे, भगवान से वरदान प्राप्त करते थे, है ना, ब्रह्मा जी की तपस्या करी, शंकर जी की तपस्या करी, कलिकाल में तपस्या का लाभ नहीं है। और व्रत पूजा, किसी व्रत का लाभ नहीं है, कोई सा व्रत कर लीजिए। जो महिमा कही गई है व्रत करने की, वो महिमा हमारे ग्रंथों में वर्णित है, वो ग्रंथ इस कलिकाल के थोड़ी हैं, शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, वो तो किसी अन्य युग में लिखे गए थे, वेद सृष्टि के आदि में थे, पुराणों की रचना वेदव्यास जी ने की थी, वो इस कलिकाल के तो नहीं है। इस कलिकाल में तो यही कलिकाल न साधन दूजा, कोई दूसरा साधन नहीं है। राम ही सुमेरिये गाइये राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तो एक ही काम करो, राम ही राम सुनो, राम ही राम गाओ, राम ही राम कहो। विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, यही कलिकाल सकल साधन तरु। ये कलिकाल सकल साधन तरु है, इस कलिकाल में कोई भी साधन किया जा सकता है, साधनों की बाध्यता नहीं है यहां पे कि साधन आप नहीं कर सकते, साधनों के विषय में कोई बाध्यता नहीं है। सकल साधन तरु, कोई भी साधन कर लो, जो साधन आपको मन भावे, जो साधन आपको पसंद हो उस साधन को आप करो, लेकिन विशेष बात क्या है श्रम फले नहीं फलो। उन सभी साधनों को करने का जो फल है, उस फल के मूल में केवल आपको श्रम ही हाथ लगेगा। है श्रम फल निफल उसको, ठीक है, ये बहुत बड़ा वृक्ष है जहां सभी साधन किए जा सकते हैं, यही कलिकाल सकल साधन तल, सभी साधनों का वृक्ष है, लेकिन इस वृक्ष पे फल क्या आ रहे हैं? वृक्ष है तो कुछ फल भी प्राप्त होगा। हाँ फल है, क्या है? है श्रम फल निफल उसको, फल के मूल में केवल आपको श्रम ही हाथ लगेगा। जो आपने अपने शरीर से श्रम किया, केवल वो श्रम ही आपको फल के रूप में प्राप्त होगा, और कोई साधन फलीभूत होने वाला नहीं है, कोई नहीं है। नाना पथ निर्वाण के
साधन अनेक बहुभात, मुक्ति के मार्ग बहुत हैं, साधन भी अनेक हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि वो सब तो हमने अपने जीवन में देख लिया, किसी का लाभ नहीं है। समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरे को देख के समझ जाए, वो कहे नहीं हम भी ठोकर खा के देखेंगे तब समझेंगे, तो वो समझदारी नहीं है, वो बुद्धिमता नहीं है। नाना पथ निर्वाण के साधन अनेक बहुभात, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं तुलसी तू मेरे कहे भज राम राम दिन रात, दिन रात भैया राम राम भजो। शंकर साखी जो राखी कहूं कछु तो जरी जीह जरो। शंकर गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं शंकर जी को साक्षी मान के कह रहा हूं, यदि मेरी बात झूठ हो तो मेरी जीव जल जाए, मेरी जीवा जल जाए। जो जली जीह जलो, मेरी जीवा आग लग जाए, मेरी जीव जल जाए। मेरे इस वचन के शंकर जी साक्षी हैं। कौन सो अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी समझी परो भरो सो जाही दूसरो को करो। गोस्वामी जी लिखते हैं कि हमें तो समझ में बस आ गया, अपनो भलो राम नाम हिते, अपना भला केवल राम नाम से हो जाएगा, भरोसा हो जाए ही दूसरों को करो। हम दूसरे का भरोसा करने क्यों जाएं, हमें दूसरे का भरोसा नहीं है। और यदि मैं झूठ बोलता हूं तो शंकर जी साक्षी हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। मानस जी में उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है, सुन ब्याल काल कलिमल अब गुण आगार, गुण बहुत कलियुग कर बिनु प्रयास निस्तार, कृत युग तेता द्वापर पूजा मख अरिजोग, जो गति होई सो कली हरि नाम पावही लोग, कलियुग समुजुग आन नहीं जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनयास, संसार से पार जाना चाहते हो राम जी के चरित्र का गान करो, राम जी के नाम का कीर्तन करो, कुछ भी और साधन करने की आवश्यकता नहीं है। अब साधारण जनमानस के मन में क्या प्रश्न उठ सकता है कि जगत में और भी आचार्य हैं, हैं? जगत में और भी आचार्य हैं, उन्होंने भी अनेक मार्ग बताए हैं, हम उनके मार्ग का भी तो अनुसरण कर सकते हैं ना, उन्होंने भी अनेक साधन बताए हैं, उनके साधन का उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया जा सकता है। तो फिर हमारी जो कलयुग के जीव हैं, मतलब हमारी गोस्वामी जी के साथ ही ऐसी क्या घनिष्ठता है कि हम गोस्वामी जी की बात माने और अन्य आचार्यों ने जो उन साधन मार्ग बताए हैं उनको हम उतना महत्व नहीं दें। हम क्यों गोस्वामी जी से ही अपनी तुलना करें और उनके जो अपने अनुभव है उन्हें ही अपने लिए उपयोगी क्यों माने, किसी अन्य के भी तो मान सकते हैं। तो देखिए गोस्वामी जी और अन्य आचार्य जो अन्य साधन कहे गए हैं दोनों में एक विशेष अंतर है। गोस्वामी जी अन्य आचार्यों की तरह जिन्होंने ग्रंथों की रचना करी है वो तो द्वापर युग के थे जैसे वेद व्यास जी, लेकिन गोस्वामी जी जहां पे भी अपना अनुभव कहते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं यही कलिकाल न साधन दूजा, है ना, यही यही मतलब इसी समय की बात मैं कह रहा हूं, मैं किसी अन्य समय की बात नहीं कह रहा। सतयुग में त्रेता में द्वापर में जिन्होंने जन्म ग्रहण किया मैं वो नहीं हूं, गोस्वामी जी वो नहीं है। और जिन गोस्वामी जी ने ये कहा है वो इस कलिकाल में अभी कुछ समय पूर्व ही जन्म ले चुके हैं, इसलिए उनके अनुभव को सर्वोपरि माना है क्योंकि वो हमारी तरह ही है,
वो किसी सतयुग के त्रेता के द्वापर के नहीं है कि उस समय काल कुछ अलग था, नहीं, वो भी इस कलयुग के ही हैं, जिन्होंने अपना सारा जीवन हमारे जैसे कलिमल ग्रसित है ना जीवों के उद्धार में व्यतीत कर दिया, और हम जीवों के उद्धार के लिए ही उनका अवतार हुआ। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर हमारे कल्याण के निमित्त हमसे ही कुछ समय पहले इस कलिकाल के जो दुख हैं, द्वंद हैं, माया है, विकार हैं, उन सबका अनुभव किया, और उन सबका अनुभव करने के बाद ही वो ये बात कह रहे हैं कि कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलि तो पूरा ही मल से भरा हुआ है, मल का मूल है, जड़ है, पाप की जड़ ये कलियुग है। जितने पाप फलते फूलते हैं इस कलिकाल में सबसे ज्यादा फलते फूलते हैं, और हमारा मन पाप पयो निधि जन मन मीना। इस पाप रूपी समुद्र में हमारा मन मछली की तरह है। मछली जल से बाहर निकलना चाहती है क्या? किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहती है। उसी प्रकार हमारा मन इस पाप को जो कलयुग में हर तरफ फैला हुआ है, जो विकार फैले हुए हैं, इनको छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए गोस्वामी जी बाबा कहते हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जप तप जोग न व्रतमक पूजा। कोई साधन नहीं इस कलिकाल में, यही कलिकाल मलाय तन मन करी देख विचार। विचार करो, इस कलिकाल में कोई साधन नहीं है जो तुम्हारे काम आ जाए, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। मन करी देख विचार, खूब विचार करके देख लो, कहीं काम होने वाला नहीं है। यही कलिकाल सकल साधन तो है श्रम फल नहीं भरोसो। कुछ करने भी जाओगे तो केवल श्रम ही हाथ लगेगा, और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। और इस कलिकाल में जिस साधन का प्रबल प्रचंड प्रभाव है, जिसके आगे कलिकाल भी नतमस्तक हो जाता है, सारे साधनों को अपना जोर बना लेता है, लेकिन जहां जहां इस साधन की बात आती है वहां वो भी छीन हो जाता है। वो साधन क्या है? नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहिं भव थाहा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, कुछ नहीं है, न योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है। ज्ञान क्या है? ज्ञान अखंड एक सीतावर, केवल एक राम जी हैं। बस इतना जान गए हो कि एक केवल रघुनाथ जी हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना, तो तुम ज्ञानी हो, तो ये ज्ञान तुम्हारे काम का है। ज्ञान अखंड एक सीतावर तो काम का है, नहीं तो माया वश्य है जीव चराचर, नहीं तो ये संपूर्ण चराचर जगत ये सब माया के वशीभूत ही है। और माया कहां तक है? गो गो चर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। जहां तक तुम्हारा मन जाता है, जहां जिस लोक में चला गया, परलोक में चला गया, जिस आकाश गंगा में चला गया, जिस साधन में चला गया, दूर दूर तक सब जगह केवल माया ही माया है, केवल माया का ही बोलवाला है। सो सब माया जाने भाई, सब कुछ माया है। जो सामने प्रकट है वो भी माया है, जो अप्रकट है सो भी माया है। माया से परे यहां कुछ नहीं है। सत्य क्या है? सत हरि भजन, बस यही सत्य है, बाकी सब झूठ है, सब असत्य है। सपने ही हो ही भिकारी निप, संसार क्या है? सपने की तरह है ना। सपने ही हो ही भिकारी निप, रंक नाक पति होई। सपने ही हो ही भिकारी निप, भिकारी राजा बन गया, राजा भिकारी हो गया, दोनों रो रहे हैं,
चिल्ला रहे हैं हम भिखारी हो गए, संपत्ति खत्म हो गई। भिखारी सोच रहा है वाह बड़ा वैभव हो गया, तो बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है सुख संपत्ति में। लेकिन जब जाग गए तो जागे हानि न लाभ कछु, जिमी प्रपंच जी है जो ही। जब जाग गए तो ना हानि थी ना लाभ था, जहां जैसे थे अपनी मूल अवस्था में है। उसी प्रकार ये संसार है, दिखता है ये सुखी है ये दुखी है, ये ऐसा ये वैसा, इसके जीवन में बड़ा सुख है इसके जीवन में बड़ा दुख है, ये बड़ा वैभव वाला है बड़ी धन संपत्ति है, ये बेचारा दरिद्र है, लेकिन कुछ नहीं है, सब केवल माया है। एक आधार राम गुण गाना, बस राम राम करो। क्यों नाम लेत भव सिंधु सुखाही, ये संसार सिंधु ये सूख जाएगा। कौन सा सिंधु सूख जाएगा? वही पाप पयोनिधि, यही जो पाप पयोनिधि है, पाप पयोनिधि जनमन मीना, यही जो पाप रूपी समुदाय है सूख जाएगा, पाप समाप्त खत्म। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माई। गोस्वामी जी फिर कह रहे हैं देखो फिर विचार कर लो, फिर विचार करके देख लो। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, जिस संसार समुद्र से पार जाने के लिए इतना सोचते हो, इतना विचार करते हो, इतने साधनों में जाते हो, ये साधन वो साधन ऐसा साधन, ये व्रत कर लें ये व्रत कर लें, यहां तीर्थों में गए वहां तीर्थों में गए, दान पुण्य है ना, धर्मशाला इधर दान दिया इधर दान दिया, इधर भंडारे हो रहे हैं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब साधन है। इसलिए विचार कर लो, साधन फलीभूत नहीं होंगे। जिस संसार से पार जाने के लिए इतना सब कर रहे हो, वो संसार केवल एक नाम लेत भव सिंधु सुखाई, एक बार नाम ले लोगे तो संसार समुद्र स्वतः ही सूख जाएगा। इसको तैर के पार करने की जरूरत भी नहीं है, राम जी की कथा से भी बड़ा नाम है। कथा कैसी है? भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। राम जी की कथा तो फिर भी नौका के समान है, राम कथा दृढ़ नावा, राम जी की कथा तो फिर भी नौका के समान है, ठीक है संसार से ऊपर है। लेकिन नाम, नाम तो नाम महज तो कहते हैं हम संसार ही लुप्त कर देंगे, संसार खत्म। आप नाव में सफर कर रहे हैं, आपको लगा ये क्षेत्र बड़ा सुंदर है ना, जैसे कोई कहीं झील में सफर करता है नाव में बैठा है, लेकिन फिर भी अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है, कितना बढ़िया है। तो भले ही संसार रूपी इस भव सागर में आपने कथा रूपी नौका की सवारी कर ली, आप नौका में बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये संसार के रंग संसार के रूप संसार की माया आपको फिर भी लुभाती रहेगी, क्योंकि आप हो तो उसी के ऊपर है, देख तो फिर भी उसी को रहे हो ना। लेकिन नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, नाम लेते ही संसार समाप्त, सूख गया, खत्म, कुछ नहीं है। अब केवल भगवान नाम है, केवल भगवान है और कुछ नहीं है, केवल भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी, कलहु प्रणाम जोड़ी जग पानी, सब कुछ भगवान नाममय हो गया, सब कुछ भगवानमय हो गया। सब तभी सब भरोसे तजी जो भज राम, सारे भरोसे राम जी के हो गए, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो क्या हुआ? केवल एक भगवान बचे, तो सब भरोसे तजी जो भज राम, प्रेम समेत गाव गुण राम ही, सोई भवता कछु संशय नाही। बस भव सागर से तर जाएगा, कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि इसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। नाम प्रताप प्रकट कली माही, कली में नाम का प्रभाव प्रकट है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिन्होंने नाम लिया है, जिन्होंने नाम का अनुभव किया है, वो इसकी बात को समझते हैं। कलिमल समन दमन मन, राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहित तिन पर, राम रहे अनुकूल। राम जी का सुजस, राम जी की कथा, राम जी का चरित्र जो सुनेगा कैसे, सादर सुनहि, सादर सुनहि अर्थात आदर से सम्मान से, तब राम रहे अनुकूल, तब राम जी अनुकूल रहेंगे। कठिन काल मल कोस, धर्म न ज्ञान न जोग जप, कुछ नहीं है इस कठिन कलिकाल में, धर्म न ज्ञान न जोग जप,
परिहरि सकल भरोस राम ही भज हित चतुर। जो वास्तव में चालाक है, चतुर है, जिन्होंने विवेक कर लिया है, विचार कर लिया है, जो समझते हैं इस बात को, वो राम ही भज ही जे चतुर्ना, वो ही राम राम का भजन करते हैं, वो ही राम राम करने वाले हैं, उन्हीं को भगवान की प्राप्ति होती है। अन्यथा तो जहां संशय हुआ, संदेह हुआ, तो वहां फिर डूबना ही डूबना है, वहां पतन ही पतन है। माता सती के प्रसंग में जब माता सती कहती हैं कि नहीं हम परीक्षा लेंगे, तो शंकर जी कहते हैं कि ठीक है परीक्षा तो लेने जा रहे हो, लेकिन जैसे जाए मोह भ्रम भारी करहु सो जतन। वही करो, जिस प्रकार तुम्हारे जो मोह है ये चला जाए वही काम करो, करहि सो जतन, वही करो जतन पूर्वक, लेकिन कैसे, विवेक विचारी, करहु सो जतन विवेक विचारी, विचार करके तब करना। वही बात यहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि परिहरि सकल भरोस राम ही भजई ते चतुर। जो विवेक है, विचारशील है, वो ही फिर समझते हैं कि यहां कलिकाल में कुछ नहीं है, धर्म न ज्ञान न जोग जप, पर ही सकल भरोस, फिर इन्होंने सब छोड़ दिया। जब समझ में आ गया कि किसी का बल ही नहीं है, किसी का भरोसा ही नहीं है, तो राम ही भजे ते चतुरना, तो फिर राम राम करो, तो फिर राम राम करो। नाम राम को अंक है, सब साधन है शून्य, सब साधन शून्य हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा, अंक गए कछु हात नहीं, है ना, अंक रहे दस गुण, राम जी का नाम निकल गया साधनों में से, साधन खत्म हो गए। और वही साधन आप कर रहे हैं, लेकिन आपने राम नाम का आश्रय ले लिया, तो वही साधन आपके लिए दस गुना फल देने वाले हो जाएंगे। लेकिन बिना नाम के सब साधन है शून्य, सब साधन शून्य है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चरण आकाश। राम जी के नाम के बिना परमार्थ चाहते हो, परमार्थ अर्थात कल्याण चाहते हो, वो ऐसे ही है जैसे बारिश की बूंदों को पकड़कर कोई आकाश में चढ़ना चाहे, संभव है किसी प्रकार से, किसी प्रकार से ये संभव ही नहीं है। उसी प्रकार इस कलिकाल में नाम को छोड़कर, नाम के आश्रय को छोड़कर, राम जी के भरोसों को छोड़कर जो अपना कल्याण चाहता है उसके लिए किसी प्रकार से ये संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्म बीत जाएंगे, लेकिन ये किसी प्रकार से उसके लिए संभव नहीं होगा। और देखिए बहुत विशेष बात है, अभी तो कलिकाल में फिर भी थोड़ा धर्म है, फिर भी लोग सत्संग सुनते हैं, नाम कीर्तन कर लेते हैं, साधु संतों का सम्मान कर लेते हैं, साधु संतों की बात को सुन लेते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर लेते हैं। लेकिन आने वाला जो समय है ना, बहुत भयंकर आने वाला है, बहुत भयंकर कलयुग आने वाला है। जितना आज मन में बात भी आ जाती है अपने कल्याण की, परमार्थ की, ये सब समाप्त हो जाएगी। जितना गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, मन करी दी एक विचार, विचार शक्ति सब समाप्त हो जाएगी, कलयुग सबको खा जाएगा, तुम्हें सोचने ही नहीं देगा इतना। इसलिए बड़ा ही सही अवसर है, सारे साधन आपके पास है। न समान नहीं कब नेहु दे ही जीव चराचर जाचत जही, मानव शरीर मिल गया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा, है ना, साधन का धाम मिल गया, जो चाहे वो कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन अब ये समझ में आ गया कि साधन को करने से काम नहीं बनेगा, तो अब राम जी ने सत्संग भी दे दिया, है ना, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सुई, राम जी की बड़ी कृपा हो गई, सत्संग मिल गया, विवेक मिल गया, समझ में आ गया कि क्या करना है, राम राम करना है, है? नाम जप करना है। तो अब विलंब किस बात का, उठो जागो और अपने कल्याण के लिए साधन में लग जाओ, अपने कल्याण के लिए
साधन में लग जाओ, क्योंकि फिर पता नहीं ये कर्म कहां लेके जाए, फिर पता नहीं ये कर्म किस योनि में डाल दें, फिर पता नहीं फिर 84 लाख योनियों का चक्कर फिर चलना फिर शुरू हो जाए। पुण्यपि जननम पुण्यपि मरणम, फिर जन्म लेना फिर मर जाना, फिर जन्म लेना फिर मर जाना। इसलिए अभी बहुत सही अवसर है, अभी अवसर है, इस अवसर का लाभ उठाओ, राम राम करो, नाम जप करो, जितना अवसर मिले जितना समय मिले भगवान के नाम मिलो, भगवान के नाम का जप करो, मन लगे ना लगे कोई बात नहीं, नाम काम करेगा, है ना, भाव गुभाव अनकार सु नाम जपत मंगल इसी तसु, नाम काम करेगा, धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा, कोई बात नहीं, नाम का प्रभाव ऐसा है वो धीरे धीरे मन भी लगने लगेगा, लेकिन सबसे पहले नाम में लगो, ठीक है। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं, जय जय श्री सीताराम।